स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम मंदिर दर्शन में और मैं हूँ आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। एक ऐसा रहस्यमय सूर्य मंदिर जहाँ सुबह की पहली किरणों की वजह से ये मंदिर अपने आप ही झुक जाता है। क्या है इस मंदिर की खास रहस्यमय जानकारी, चलिए बताते हैं आपको। हमारे सनातन धर्म में प्रकृति की पूजा का खास महत्व है। ऐसे में जहाँ सूर्य देव को आदि पंचदेवों में माना जाता है, वहीं इसके चलते सनातन संस्कृति में सूर्य पूजा का पुराना इतिहास है। वहीं ज्योतिष में भी सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। हिंदुओं में इन्हें कलयुग का एकमात्र दृश्य देव माना जाता है। सूर्य देव को ही सूर्य नारायण भी कहा जाता है और देश में कुछ स्थानों पर सूर्य मंदिरों का भी समय समय पर निर्माण होता रहा है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर की खास जानकारी जिसके बारे में सुनकर आप भी यकीनन चौंक जाएंगे। जी हाँ, देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की डीडीहाट तहसील में स्थित है एक खास मंदिर। डीडीहाट से 15 किलोमीटर की दूरी पर चौबाटी कस्बा है। यहाँ मोटर मार्ग से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर एक सूर्य मंदिर है। यह सूर्य का मंदिर इस जिले का सबसे बड़ा सूर्य का मंदिर है। 100 मंदिरों के इस समूह में मुख्य मंदिर सूर्य देव का है। मंदिर में स्थित मूर्ति के आधार पर कहा जा सकता है कि ये मंदिर 10वीं सदी का है और ये मंदिर स्थानीय ग्रेनाइट पत्थर खंड रूप में बना हुआ है। मंदिर परिसर में सूर्य के अतिरिक्त शिव, पार्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती इत्यादि छोटे मंदिर है और सूर्य मंदिर के आधार पर इस गांव को आदित्य गांव भी कहा जाता है। लेकिन इस मंदिर की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्य मंदिर को ध्यान से देखने पर ये दिखता है कि ये पूर्व की ओर झुका हुआ है। बताया जाता है कि ये मंदिर कई सालों से इसी तरह झुका हुआ है। मंदिर में लगी सूर्य की मूर्ति सबसे बड़ी है। इस मूर्ति को सूर्य नारायण भगवान यानी कि 7 अश्वों के एक चक्रीय रथ पर सुशासन में बैठे हुए हैं, जिनके दोनों हाथ कंधे तक उठे हुए हैं। साथ ही मंदिर में प्रति एक दिन विशेष अवसरों पर पूजा पाठ होती है, लेकिन माघ के महीने में सूर्य षष्ठी के दिन इस मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि आखिर ये मंदिर झुका हुआ क्यों है। मंदिर के झुकने की जानकारी गांव वालों ने पूरा तत्व विभाग को दे दी थी, लेकिन ये मंदिर कब और कैसे पूर्व की ओर झुका, इसका कारण आज तक कोई नहीं पता लगा पाया। वही कुछ भक्तों के अनुसार ये सूर्य देव का ही चमत्कार है। पूरा तत्व विभाग के अंतर्गत आने के बावजूद इस मंदिर का रखरखाव गांव वाले आपस में धन जमा करके करते हैं। साथ ही दोस्तों, कुछ सालों तक यह मंदिर बिल्कुल सीधा था, लेकिन सूर्य की किरणें पता नहीं क्या असर डालती हैं, या ये भगवान सूर्य का क्या चमत्कार है, ये मंदिर पूर्व की ओर अपने आप ही झुक गया। ऐसा लगता है कि जैसे ये हर सुबह सूर्य भगवान को झुककर नमस्कार करता हो। दोस्तों, कभी भी भविष्य में आपको अगर इस मंदिर का दर्शन करने का अवसर मिले तो इस अवसर को चूकिएगा मत, मंदिर के दर्शन अवश्य करिएगा। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम मंदिर दर्शन में इतना ही। अगली बार ऐसे ही किसी और रहस्यमय मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं,